हेलो एवरीवन, ये देख रहे हैं टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है और हमारे सभी पेड़ पौधे डाई बैक हो रहे हैं, यानी सूख रहे हैं और बर्न हो रहे हैं उनकी पत्तियां। तो दोस्तों, प्लांट कोई भी हो, इस गर्मी में आपको किस तरह से बचाना है, दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा पानी देने के 3 उपाय जिससे हमारे पौधों की जान बचाए। और आपको इस तरह से पानी देना है, कोई भी प्लांट हो। ये देखिए बोगनवेलिया, जो कि इसको धूप बहुत चाहिए, मगर ये भी एकदम जो सूख गया है सुबह पानी देने के बावजूद भी, और पत्तियां इसकी पीली पड़ रही हैं, देख रहे हैं सूख रही हैं। और आपको किस तरह से पानी देना है जिससे आपके प्लांट हरा भरा रहे और डेड ना हो, प्लांट वो कोई भी हो, पर्पल हार्ट हो या बोगनवेलिया हो या आपका जो है कोई हार्ट प्लांट हो। ये देख रहे हैं इसमें जो है पोटुलाका लगी हुई है, और ये मेरा चंपा है, इसमें नीम लगी हुई है, ये मैं इसकी बोनसाई बना रहा था। और सभी प्लांट जो है धीरे धीरे, ये देखिए बोगनवेलिया मैंने दूसरे बकेट में लगाई हुई है, फूल इसके देखिए सूख गए एकदम, कागज़ से फट रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब की एक ही उपाय है, पानी देना, वो भी किस तरह से। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप किस तरह से अपने पौधों की जान बचा सकते हैं। ये देखिए पत्तियां पूरी खुल नहीं रही हैं धूप की वजह से, जो कि एकदम नई पत्ती है लीफ, और फूल इस पर भर कर आने वाले हैं। तो इसको किस तरह से हमें बचाना है, ये देखिए लालसा है, ये भी पत्तियां झड़ रही हैं, रिमूव हो रही हैं। तो दोस्तों, सभी प्लांट इस गर्मी में अपना धैर्य खो रहे हैं और धीरे धीरे बर्न हो रहे हैं। ये देखिए सदाबहार भी इनका बाहर लगा हुआ है, जो कि मैंने इसकी पिंचिंग करके इसको बहुत बूसी बना दिया है बूसी, और ये खूब फूल दे रहा है। सभी पोटुलाका लगे हुए हैं, और ये देखिए स्वीट नीम है, ये भी जो है किले दे रहे हैं, मगर गर्मी में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, पत्तियों पर से रिमूव हो जा रही हैं। तो दोस्तों, आपको जो मैं 3 विधि बताऊँगा पानी देने की, वो बहुत ही कारगर हैं, और उसकी वजह से ये देखिए इसमें मैंने एग्लोनीमा लगाया हुआ है, चाइनीज़ एवरग्रीन, और इसमें ड्रेनेज होल है। आपको मैं तीनों चारों जो विधि है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए पेंडेंथस है, और ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, और ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी इसमें कोलियस की, इसमें मैंने ड्रेनेज होल बनाया हुआ है। ये देखिए बॉटम में छेद है इसमें, देख रहे हैं आप लोग। तो अगर आपके प्लांट नाजुक हैं और पानी नहीं रुकते हैं, पानी उस पूरा सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी विधि भी मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में। और ये देखिए लेमन ग्रास है, इसमें मैंने ड्रेन झोल नहीं किया है, मेरा सिद्धांत अलग ही है। ज़्यादातर लोगों ने आपको बताया होगा कि आप ड्रेन झोल करिए, जिससे आपके जो है प्लांट सड़े ना, गले ना रूट। देखिए मैंने मिट्टी के पॉट में ड्रेनेज होल नहीं किया है, और ये देखिए इसमें मैंने जो है बनियन ट्री यानी बरगद लगाया हुआ है छोटा, ये इसमें ड्रेनेज होल है, और ये इसमें पानी देने की भी जगह नहीं है। तो मैं इन तीनों चारों विधियों की मैं आपको बताऊंगा तरीका। सबसे पहले आपको पानी ले लेना है और अपने प्लांट में पानी किस तरह से डालना है, जिसमें जो है ड्रेनेज होल है, पानी आपने डाल दिया इस तरह से, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये नीचे ड्रेनेज होल की तरफ पानी जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ये तो हुआ पहला तरीका पानी देने का। मगर आपको इन सभी प्लांट को सेमी सेडेरियम रखना है, जी हाँ, खुले धूप में नहीं रखना है। ये देखिए पानी धीरे धीरे स्लोली स्लोली नीचे जा रहा है, ये पानी जो इसमें मिट्टी ने सोख लिया है, सेमी सेडेरियम में अगर आप रखेंगे तो ये पूरा दिन एडजस्ट कर लेगा, अपने आप को संभाल लेगा। और ये देखिए इसमें से ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है, ये ग्रो बैग से निकल रहा है पानी। तो ये तो हुआ पहला तरीका। और इसके बाद दूसरा तरीका ये है दोस्तों, जिसमें मैंने ड्रेनेज होल नहीं किया है, ये देखिए लेमन ग्रास में, इसको मैं पानी से पूरा भर दूंगा, देखिए इस तरह से, ये मैंने इसे पानी भर दिया, और इस देखिए इसमें बबल बन रहे हैं और धीरे धीरे पानी नीचे जा रहे हैं। तो
तो इस तरह से ये पानी भरने से इसमें दो दिन ये पानी ऑब्जर्व रहेगा और प्लांट को कोई टेंशन नहीं रहेगी। बस आपको टाइमिंग याद रखना है, जी हाँ। और ये देखिए, इसमें मिट्टी के पॉट में मैंने ड्रेनेज होल नहीं किया है, इसमें भी मैंने पानी भर दिया। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको टाइमिंग याद होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट गल जाएगा, जी हाँ, इस बात का ध्यान दीजिए। ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए मैंने एक जो है पॉट में पानी भर लिया है, प्लास्टिक के पॉट में। सबसे पहले आपको पानी भरना है इसमें, देखिए इस तरह से पानी भर लीजिए आप। जिस पॉट में पानी डालने की जगह ना हो, पानी नहीं रुक रहा है, मिट्टी ठंस गई है, तो जैसे ये बनियन ट्री में देखिए मिट्टी ठंसी हुई, पानी डालने की जगह नहीं, इसको धीरे से इसमें हम रख देंगे और फिर धीरे से इसमें पानी डाल देंगे, जी हाँ। ये हुआ तीसरा तरीका। इस विधि से पानी आराम से सोखेगा, पानी ड्रेनेज होल से बाहर जाएगा, फिर ड्रेनेज होल से रूट के जरिए पानी ऊपर खींच लेगा और पूरा प्लांट की मिट्टी भीगी रहेगी। इस बात का आप ध्यान दीजिए कि आप कोई इन तीनों प्रकार के प्लांट को जो पॉट में लगा है, जो मैंने बताया आपको, सेमी सिडेरियम रखना है। और चौथी विधि है दोस्तों मिस्टिंग करना, जी हाँ। आपके पास कोरोना टाइम में आपने हैंड वॉश तो ज़रूर लिया होगा, तो उसमें जो रहते हैं स्प्रे, उसको आप यूज़ करिए। इस तरह से मिस्टिंग करिए, पत्तियों पर ज़रूर मिस्टिंग करिए, पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी और प्लांट आपका जल्दी डेड नहीं होगा, जल्दी डल नहीं होगा। ये देखिए मैं इस पर कोलियस पे भी डाल रहा हूँ। मिस्टिंग आपको करना है दोस्तों गर्मी में, और बहुत ही ज़रूरी है, मिस्टिंग ज़रूर करिए नमी देखते हुए। पहली बात तो आप नमी बरकरार रखिए, उसके बाद जो है मिस्टिंग करिए पानी की। तो इस तरह से प्लांट हमारे ज़िंदा रहेंगे, यानी साथ रहेंगे इस गर्मी में भी। अगर आपके पास ग्रीनरी ग्रीन नेट नहीं है, तब भी आप इस तरह से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। और आप जो है अपने कास्टली प्लांट को भी इस तरह वर्क करिए उस पर, और बढ़िया चलेंगे आपके प्लांट इस गर्मी में। आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि हमारा कास्टली प्लांट डेड हो रहा है, कैसे बचाएं। ग्रीन नेट ना हो आपके पास, तब भी आप काम चला सकते हैं। ये देखिए मेरा एग्लोनिमा है, ये इस पर भी मैंने मिस्टिंग की है। इस पर मैं डेली सुबह शाम मिस्टिंग करता हूँ पानी का, जी हाँ, बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये प्लांट ग्रोअप होगा। देखिए इसमें जो है बड्स बन रही कली, कुछ दिन में से फूल खिल गया। देखिए मेरा ये जो है ये छुई मुई है, डोंट टच मी। पानी की मिस्टिंग करने के बाद ये कैसा अपने आप मुरझा सा जाता है, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, ये बच्चे इस पर बहुत खेलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने प्लांट को बचाना है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर हमारे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी पानी देने की, और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं। दोस्तों प्लांट लगाते रहें, बच्चों को भी मोटिवेट करते रहें। गर्मी बहुत बढ़ रही है, ऑक्सीजन का लेवल लो हो रहा है, और प्लांट लगा के हम ऑक्सीजन के लेवल हाई कर सकते हैं। अब हमें दोस्तों आज्ञा दीजिए, कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।